तो गाइस स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो पर। फिर आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा Xiaomi के जो अपकमिंग वॉच, यानी कि जो Xiaomi के जो अपकमिंग जो एप्पल सीरीज टाइप का दिखने वाला जो वॉच होता है Xiaomi वॉच, उसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग का वीडियो आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगा इस वीडियो पर। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का जो क्रेडिट होने वाला है वो उन यूट्यूब चैनल को जाने वाला है जो कि इस वीडियो को अपलोड किया है अपने चैनल पर। लेकिन अभी तक आप लोगों को Xiaomi के अनबॉक्सिंग के बारे में, जब Xiaomi का जो वॉच है उसके अनबॉक्सिंग का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब में हिंदी पर कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इस कारण की वजह से मैं ऑफिशियली तो नहीं अनऑफिशियली उस वॉच को अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो फिर आप भी देखिए कि Xiaomi वॉच जो है वो कैसा दिखने में लगता है, कैसा है, क्या है उसका स्पेसिफिकेशन और कैसा है उसका लुक। तो फिर अगर आप भी इस वीडियो पर इंटरेस्टेड हो तो फिर इस वीडियो पर बने रहना और वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो बॉक्स पैकेजिंग की बात करें तो फिर दोस्तों आप लोगों को ठीक एप्पल वॉच की तरह ही जो बॉक्स पैकेजिंग है उसको देखने को मिलता है। पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो मेंशन किया गया है और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्वालकॉम बेस्ड जो पावर है वो देखने को मिलता है इस वॉच में। लेकिन एप्पल में जो है वो आप लोगों को क्वालकॉम पावर बेस्ड नहीं देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर आप लोगों को एक बड़ा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिलता है जिसका कोई भी काम नहीं, क्योंकि हम सभी को पता है कि कैसे यूज़ करा जाता है। उसके बाद आप लोगों को एक चार्जर देखने को मिलता है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। वॉच को देने में फास्ट चार्जिंग का कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को एक चार्जिंग डॉक जो है वो दिखने को मिलता है और यहाँ पर आप लोगों को एक वॉच जो है वो दिखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये जो वॉच है वो एकदम दिखने में एकदम एप्पल वॉच की तरह ही दिखने में लगता है। तो एक बार में कहा जाए तो फिर Xiaomi भी जो है एप्पल को एकदम कॉपी कर रहा है। यहाँ पर जो आप लोगों को स्ट्रैप जो दिखने को मिलता है वो एकदम रबड़ी फिनिश का है और यहाँ पर आप लोगों को जो दिखने को मिलता है दोस्तों वो है एक हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो फिर ये वॉच जब ओपन हो रहा है तो फिर यहाँ पर दिखा रहा है इसका जो वॉच जो कि है वेयर ओएस बाय गूगल। तो दोस्तों ये जो वेयर ओएस है वो एकदम Xiaomi के वॉच के लिए बनाया गया है जो कि Xiaomi ने नया इन्वेंट किया है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मी होम के सपोर्ट में आप लोगों को इस वॉच को कनेक्टिविटी करने का जो चांस है वो देखने को मिल जाएगा। वॉच जो है वो कनेक्टेड हो चुका है। अभी आप लोग अगर इसके डिस्प्ले को देख रहे हो तो फिर बिल्कुल एकदम एमोलेड डिस्प्ले है जो कि 1.34 इंचेस का है। यहाँ पर आप लोगों को फुल टच डिस्प्ले देखने को मिलता है। बहुत सारा जो फंक्शंस है वो आप लोगों को इस वॉच में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को डेट और टाइम का जो और वॉच फेस का जो अलग अलग टाइप का वॉच फेस देखने को मिलता है, आप लोग चाहिए तो फिर आप लोग मी का जो एक एप्लीकेशन आता है उसके माध्यम से आप लोग जो वॉच का जो फेस है वो अलग अलग टाइप का चेंज कर सकते हो। बहुत सारे यूनिक से यूनिक सा भी वॉच फेस जो है वो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है इनबिल्ट। और यहाँ पर आप लोग डाउनलोड करके भी जो है वॉच फेस को चेंज कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं टच रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है इसका टच रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आप लोगों को ये डायल देखने को मिल रहा है इसके माध्यम से आप लोग बहुत सारे कुछ काम और स्वाइप अप स्वाइप डाउन भी कर सकते हो। यानी कि जब आपका टच काम नहीं कर रहा है शायद ऐसे करके कुछ लग रहा है तो फिर आप लोग इसको काम में ले सकते हो। इस जो डायल है इस डायल को काम में ले सकते हो। यहाँ पर से आप लोगों को हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर और बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग अपने साउंड को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो कॉलिंग सिस्टम है वो देखने को तो शायद नहीं मिलता होगा। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर से कॉल को जो है उठा और पिक कर सकते हो, यानी कि कट और पिक कर सकते हो। पीछे की तरफ जो हार्ट रेट सेंसर दिया गया है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव फील आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। और तो स्ट्रैप भी एकदम रबड़ी फिनिश से बना हुआ है। और जो यहाँ पर वॉच देखने को मिल रहा है वो भी एकदम हाथ में एकदम यूनिक सा डिज़ाइन दे रहा है। और यहाँ पर जो वॉच का जो इंटरफेस है वो एकदम विंडोज़ की तरह लग रहा है। अभी तो आप लोगों को यह सब चाइनीज़ में देखने को मिल रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप लोग जब इंडिया में इस वॉच को खरीदेंगे, जब इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा तो तभी आप लोगों को जो इंग्लिश का जो सिस्टम है वो आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा। और अगर अभी हम लोग इस चीज़ को अपने फ़ोन के साथ कनेक्टेड करते हैं तो फिर यहाँ पर देखिए कस्टम वॉच फेसेस जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल के माध्यम से, यानी कि सिर्फ डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो देखिए आप लोगों को अलग अलग टाइप का जो वॉच फेस है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख सकते हो एक कस्टम वॉच फेस आपको इस वीडियो पे देखने को मिल रहा है। वैसे ही करके आप लोग अलग अलग टाइप का जो वॉच फेस है वो आप लोग अपने वॉच पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो।
दोस्तों अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो डिस्प्ले है वो एकदम सनलाइट में भी विजिबल दिखने को मिलता है, यानी कि सनलाइट में कोई भी इशू नहीं मिलता। और दोस्तों ये जो वॉच है वो क्वालकॉम बेस्ड है, इसीलिए आप लोगों को कोई भी हैंगिंग या लैगिंग इशू दिखने को नहीं मिलता। और इसका प्राइस अप्रॉक्स Xiaomi लाएगा 10,000 रुपये के अंदर। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया ना कि Xiaomi का जो अपकमिंग जो वॉच है वो कैसा दिखने में है, बिल्कुल एप्पल वॉच जो है उसी का ही तरह दिखने में लगता है। और आप लोग इस पर बहुत सारा फेस और बहुत सारे इंटरफेस जब चेंजेस कर सकते हो। और दोस्तों इस जब ये वॉच जो है वो जब ऑफिशियली लॉन्च्ड होगा इंडिया पर, तो तभी वो वॉच मेरे पास भी आ जाएगा, तो तब मैं उस चीज़ को आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करके दिखा दूंगा। तो फिर दोस्तों कैसे लगा वीडियो मुझे कमेंट में बोल सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो करना लाइक, वीडियो करना शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं दूसरे बार। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टेक केयर।